नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। बीकी न्यूज बलिया। जिलाधिकारी भवानी से खग्गा रोड आईएएस पर भड़के 12 काउंसलिंग। आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अध्यक्ष जय नारायण पांडे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में प्रेस वार्ता के दौरान 12 काउंसलिंग आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अध्यक्ष जय नारायण पांडे ने कहा कि जिलाधिकारी से बात करने के लिए हम आए, परंतु हमसे बात नहीं किया। बांसडी उप जिलाधिकारी से अधिवक्ताओं ने कई दिनों से विवाद चल रहा है। जय नारायण पांडे, को चेयरमैन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। बलिया जिले में लगातार लगभग दो महीनों से गतिरोध चला आ रहा है। बांसडी एसडीएम जो अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, ना कोई काम कर रही है, ना अधिवक्ताओं को काम करने दे रही है। जो अधिवक्ताओं के क्लाइंट हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग डायरेक्ट आइए, मुकदमा निपटाइए, वकील बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात को लेकर तमाम तरीके से कोई बात आ रही है, अधिवक्ताओं से उल्टा सीधा बातें करना, अधिवक्ता बात करने जाए तो बात ना करना, इसको लेकर लगभग दो महीनों से गतिरोध चला आ रहा है। इसी बीच में मुझे जब जानकारी हुई तो मैं कल डीएम बलिया से बात किया कि मैं आ रहा हूँ मिलने, ऐसी ऐसी बात है, इसको बीच का रास्ता अपनाइए, इसी तरीके से कि ये गतिरोध समाप्त हो, सुचारू रूप से काम चलता रहे, आपकी भी इज्जत रहे, अधिवक्ताओं की भी इज्जत रहे, और बातकारियों को भी काम होता रहे, वो भी खुश रहे, जनता भी खुश रहे। आपने कहा ठीक है आइए। जब मैं आया तो आपसे बात हुई और कहे कि ठीक है 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं और आइए बात के बीच का रास्ता निकालते हैं। जब एक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर मैं गया उनके पास मिलने के लिए तो बाहर निकल आए और कहे कि हाँ बात करिए। हमने कहा कि बैठ जाइए बात करें, खड़े होकर इस तरह से कैसे बात होती है। कहता है कि ऐसी क्या बात है, खड़े खड़े भी बात हो जाती है, बैठ के भी बात हो जाती है, सो के भी बात हो जाती है, आप यहीं बात करिए, हम बैठ नहीं पाएंगे। और उन्होंने न बैठ गए न खड़े भी नहीं हुए, चलते चलते उसके बाद गाड़ी में बैठे और कहे कि ठीक है हम देखेंगे, और चले गए और ठीक से बात भी नहीं की। इसका बड़ा आक्रोश है। जब इतना दो महीने से विवाद है, एक जिलाधिकारी होने के नाते सभी अधिकारियों यहाँ प्रथम नागरिक हैं, जिले का प्रथम नागरिक का रवैया ये जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने यहाँ तक कहा कि इतने दूर से मैं आया हूँ, आप बैठिए कम से कम एक गिलास पानी पिला दीजिए, हम लोग बैठ के बात कर लें। कहा कि नहीं, अरे ठीक है करते हुए गाड़ी में बैठे और चले गए और वार्ता उन्होंने नहीं की। हमारे साथ कई अधिवक्ता थे, गए और वो चले गए। यहाँ इतना रोष है, विद्यमान है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, अधिवक्ता काम नहीं कर पा रहे हैं। बेंच और बार का रिलेशन बना कर रखना चाहिए। बेंच और बार का रिलेशन बना रहता है तो जनता का भी अच्छे से काम होता है। बातकारियों के हित के लिए हम लोग बैठे हैं। आपकी तनख्वाह है और मेरी फीस कहाँ से मिलती है? जनता की कमाई से मिलती है। हम टैक्स देते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। अगर हम जनता के काम नहीं कर पाएंगे, किस बात की टैक्स, किस बात की सैलरी? आप अदालत में बैठे काम नहीं कर, कहना नहीं चाहिए, अदालत कार्रवाई बाहर की बातें होती है। जिलाधिकारी भवानी सिंह द्वारा ये कहा गया, वहाँ जनप्रतिनिधि आम जनता उस उप जिलाधिकारी खुश है, ये गलत बातें हैं। कोई खुश नहीं है। जो उस न्यायिक परिसर में रहते हुए जब अधिवक्ता खुश नहीं है तो जनप्रतिनिधि वहाँ कहाँ आता है? आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है यहाँ के, न सांसद न विधायक कोई बात करने वार्ता तक नहीं आया है। मुझे जानकारी हुई है, आज मैंने पूछा लोगों से तो मुझे बताया गया, मुझे इस बात का दुख है। हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? इस तरह के अधिकारियों को इस तरह से नहीं व्यवहार करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को आना चाहिए कम से कम इस बीच में वार्ता कराने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोग डीएम साहब से मुलाकात की और उन्होंने डीएम आज डीएम के भी आरोप लगा, ये नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तो उन्होंने को अगर कहा गया हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे, मैं तो आ आया हूँ, कोई जानकारी नहीं कि ऐसा कोई बात है। हमें नहीं लगता कि मेरा कोई अधिवक्ता भाई इस तरह से कहेगा, और कहता है तो मैं उसका खंडन करता हूँ। एसडीएम साहब को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिलाधिकारी मुर्दाबाद नारे भी लगे थे, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि एसडीएम तो पूरी तरह से सही है, ना कोई गलत काम करता है। ये तो उनके नज़र में सही है, लेकिन पब्लिक के नज़र में भी सही होना चाहिए। वहाँ 250 अधिवक्ता रहते हैं, जब 250 अधिवक्ता के नज़र में सही नहीं है तो एक डीएम साहब के कह देने से कैसे सही हो जाएगा? पब्लिक के आदमी से कौन यहाँ आ रहा है? पब्लिक के तो पीड़ित है। अगर हम काम करेंगे तो नहीं, हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं, आम जनता का न्याय हो, हम उनसे फीस लेते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हम लोग करते हैं। हम लोग तो न्यायिक कार्य से विरत भी नहीं रह सकते हैं, हम लोग केवल उनके कार्यों आगे की कार्रवाई क्या होगी?
आगे की कार्रवाई को लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे। डीएम तो सुन नहीं रहे हैं, अब ये बातें हम लोग मुख्यमंत्री तक ज्ञापन कर पहुँचाएंगे, आपके माध्यम से ये दूर दूर तक शासन सत्ता में ये बात को पहुँचवाएंगे ताकि हमारी सुनवाई है। क्या जिलाधिकारी के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई कराएंगे हम लोग? जिलाधिकारी से हमें कोई बैर नहीं है, जिलाधिकारी से इतना है कि हमारी मांग को मान नहीं रहे, वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनमें शामिल है तो हम लोग इनका भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमें व्यक्तिगत किसी से नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अदालत से लड़ाई नहीं है, अदालत का हम अधिवक्ता ही अदालत का सम्मान करते हैं। इस समाज में अदालत का सम्मान बचाने में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अधिवक्ता ही जाकर कहता है मेरे साहब ऐसे हैं, मेरे साहब ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम तो कहें कि सामंजस्य बना रहे, दोनों की इज्जत बनी रहे, हम भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहे, जनता भी का भी काम होता रहे। ये जो कठोर निर्णय इस तरह से रिजिड होकर काम करना, अपने को इगोइस्ट बना देना, ये अच्छी बात नहीं है। वार्ता तो करनी चाहिए, वार्ता करने से कम मामले को हल होते हैं, हल करना चाहिए। एसडीएम को बुला के अधिवक्ताओं के बीच बैठा के इसको करिए। आप जिले के प्रथम नागरिक हैं, मैं तो एसडीएम से मिला नहीं हूँ, लेकिन आज जिलाधिकारी से मिलकर मुझे बहुत दुख हुआ है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने बात करने से मना कर दिया है और सीधे जाके गाड़ी बैठ गया, खड़े खड़े बात करिए, ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप बिजली अधिवक्ता अगर कुछ ऐसी गिरावट आई जिसको कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी द्वारा इस तरह से रोष पैदा किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपसे फिर क्वेश्चन है? जिस तरह से जिलाधिकारी ने, आप एक सम्मानित चेयरपर्सन हैं और आप एक वकील हैं, आप लोगों का उन्होंने अनादर किया है, आपकी कमियाँ कहाँ रही? ये संस्कार की कमियाँ कहें, इसको किसकी संस्कार की कमी कहेंगे? ये देखिए, आप जिले के प्रथम नागरिक, बाकी तो आम जनता है। जिलाधिकारी का संस्कार किसमें कमी है? संस्कार अधिवक्ताओं में कमी है या जिलाधिकारी में कमी? हम दोनों में कहेंगे। जिलाधिकारी, हम तो अभी बात करने हैं, हम प्रेम से बात करने हैं, तो जिलाधिकारी ने किया है तो मैं जिलाधिकारी को कहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जिस तरह से अभद्र भाषाओं के लिए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, क्या अधिवक्ता वर्ग के लिए शोभा देता है? क्या देखिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी के लिए शोभा नहीं देता है, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कोई हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आपने कहा जिम्मेदार, मैं कल वार्ता करके टेलीफोन पे, उसके बाद व्यक्तिगत मिल के मैंने कहा हूँ कि मैं 5 लोगों को जनप्रतिनिधि लेके आऊँगा, आप बात करिए, बीच का रास्ता अपनाइए, उसके बाद आप जानते हुए भी आप बाहर निकल आए और कहे कि मुझे बात खड़े खड़े बात करिए, ये मुझे बड़ा पिछले दिनों कुछ घटनाओं का आपको याद दिलाऊंगा, जिस तरह से आए दिन शब्द देखने को मिलता है अधिवक्ताओं का और उच्च अधिकारियों का, आखिर कमियाँ कहाँ होती है? देखिए, सिस्टम में कमी तो है, दोनों जगह की कमी है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप मानते हैं सिस्टम में कमी है? बिल्कुल, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आखिर इसी अधिकारी के प्रति क्यों हुआ है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ है, ऐसा क्या बात है? तमाम आज से कचहरी तो है नहीं, ना जिला अदालतें हैं, ना कोर्टें हैं, अचानक ऐसी 2 महीने में कौन सी परिस्थिति आ गई है? क्या आपका ये भी मानना है कि बीजेपी सरकार में जो भी आला अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं? मैं ये बात नहीं कर सकता कि बेलगाम हो गए हैं, सभी अधिकारी, ऐसा है कि ये मंच नहीं है, अब पूरे ये प्रदेश से लड़ाई सभी अधिकारियों से नहीं हो रही है, व्यक्तिगत कोई ऐसा कोई कोर्ट है, ऐसा कोई अधिकारी है जो अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं कर रहा है, और वाद जो लड़ने आते हैं उनका सम्मान है या उसकी लड़ाई, बीजेपी में सभी अधिकारी पे लगाम नहीं। अभी आपके कुछ अधिवक्ताओं ने उनके आचरण पे सवाल उठाए थे, तो क्या माना जाए कि ये आपकी लड़ाई जो है वो एक, जो आप बता रहे हैं कि वकीलों को हटा दिया जा रहा है बीच में से, और डायरेक्ट एसडीएम का कहना है कि हम डायरेक्ट आप आइए, डायरेक्ट आपकी सुनेंगे, तो क्या उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर आचरण पे जो सवाल उठाए गए थे? देखिए, आचरण से कोई नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हो रही है, यह आम जनता की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वहाँ के आप जाके देखिए, वहाँ के न्याय कक्ष के सामने लिखा है वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं को आना जरूरी नहीं है, जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ पे लिखा है कि वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं के आना जरूरी नहीं है, तो एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता किस लिए बनते हैं? आपके बार काउंसिल का अगला कदम क्या होगा? बार काउंसिल से के हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनको